हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन्स। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज हम जो बाज़ार में ट्रेड किए हैं वो किस तरह से ट्रेड किए। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है। इस पैटर्न को हम आइडेंटिफाइड करते हैं एक फ्लैग पैटर्न के तौर पे। ठीक है, फ्लैग पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न है, लेकिन ये एक सपोर्ट के पास बन रहा है। ये बुलिश होना चाहिए, है ना, ये बुलिश होना चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फ्लैग पैटर्न बुलिश नहीं है। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये किसी भी हालत में बुलिश नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पोल होता है उस पोल से 50% मेरे हिसाब से, जैसे कि मेरा मेरी पढ़ाई जो कहती है, 50% तक ये जो पोल है इसके 50% से नीचे फ्लैग का जो नीचे वाला छोर है वो नहीं जाना चाहिए। अगर हम इसको फ्लैग को पूरा कवर कर देंगे, पूरा ढक देंगे, तो इससे पता चलता है कि ये फ्लैग है, ये पोल के 50% आधी पोर्शन को भी कवर करके और भी नीचे वाला पोर्शन यानी कि बॉटम की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये डाउन साइड दिखा रहा है, यानी कि ये बेरिश मोड दिखा रहा है। और ये फ्लैग पैटर्न जो है ये बुलिश होना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है, ये पोल जो है उसके पोल के 50% पोल को कवर किया और वहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, एक हायर हाई हायर लो पैटर्न में गया, एक बढ़िया फ्लैग का पैटर्न तैयार किया और वहाँ से अपनी प्राइस को चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम भी बहुत लो हो गए थे। और अगले दिन देखिए, इतना 10 टाइम्स लोगों का कैपिटल, 10 टाइम्स अगर जिसने भी ट्रेड लिया होगा ना, समझदार आदमी ने, तो उसको 10 टाइम्स मतलब 10,000 के सीधा 1 लाख रुपया। तो इस तरह से ये पैटर्न होते हैं। यहाँ पर मैंने इसे आइडेंटिफाइड किया था, इस दिन का वीडियो भी है मेरा, देख लीजिएगा आप, 4 तारीख का मैंने बताया था कि ये बेयरिश फॉर्मेशन है और बाज़ार गिरने वाला है। तो यकीन अगर आपको नहीं होता है तो देख लीजिए वीडियो को। तो अगले दिन बाज़ार गिर गया था। तो चलो यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है ये जो फ्लैग पैटर्न है ये एक्चुअली बुलिश होना चाहिए था, लेकिन प्राइस जो फ्लैग है वो पूरा नीचे आ रहा है ढकता हुआ इस पोल को, और पोल को पूरा निगलने की कोशिश कर रहा है। और नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स है, लेकिन बहुत सारे सपोर्ट्स की हमको ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ 44,194 का जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर से अगर आप एक ट्रेन लाइन बनाएंगे तो ट्रेन लाइन में देखिए एक राउंडिंग टॉप बन रहे हैं, और राउंडिंग टॉप भी कौन सा बन रहा है, लोअर टॉप और लोअर बॉटम, इस तरह से हो रहा है ना। हायर इसको क्या बोलेंगे हम, मतलब जो टॉप बन रहा है वो अगला टॉप जो बन रहा है वो पीछे वाले टॉप से नीचे बन रहा है ना, 3-4 बार ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना चाहिए, अब देखिए ट्रेंड लाइन के भरोसे पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, मैं मानता हूँ ट्रेंड लाइन जो है वो सबसे बेस्ट है, एवर बेस्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन ट्रेंड लाइन को कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शन चेन का डेटा। तो सबसे पहले हमको ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो रीड करना ज़रूरी है। अगर जब तक हम ऑप्शन चेन को रीड नहीं करेंगे, हम ये नहीं बता सकते कि ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होगी या फिर यहाँ से ब्रेक होगी। अगर हम सट्टे में बता भी देते हैं कि अरे नहीं बाज़ार यहाँ से, जैसे कि ये कैंडल ऊपर जा रही, नहीं बाज़ार यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा, ट्रेंड लाइन को भी तो देखिए, ट्रेंड लाइन को भी तो देखिए, इस ऊपर टॉप बन ही नहीं रहा है पहले वाले टॉप से ऊपर। तो ये सब डाउटेबल चीज़ जो होती हैं उनको आपको क्लेरिफाई करने के लिए ऑप्शन चेन को रीड करना होगा। और हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे हम जब तक हम ऑप्शन चेन में क्लियर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेन है, 5 तारीख का ये वीडियो है, 2:46 से मैं इसे ट्रैक कर रहा था। और यहाँ पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट मैंने अलग अलग टाइम में नोट किया है। 2:46 में स्ट्राइक प्राइस के एक प्राइस नीचे और एक प्राइस ऊपर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10:85 इस फ्रेम में मुझे कोई चेंज नहीं दिखा खास, इस फ्रेम में भी मुझे खास चेंज नहीं दिखा। 2:50 में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई चेंजेस होने वाला है, लेकिन 2:53 और 55 मिनट और 58 मिनट इसमें मुझे लगा कि 2:53 में मैंने नोट करके रखा, तो मुझे लग रहा था कि पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। 2:55 पे पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट और भी थोड़ा सा कम हो गया और कॉल साइड का बढ़ने लगा। लेकिन 2:58 में जब पुट साइड के सारे ओपन इंटरेस्ट, स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाला, स्ट्राइक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाला, 80 का 78 हो गया, 132 का 130 हो गया, 104 का 98 हो गया, और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट 10 का 11 हो गया, 85 का 88 हो गया, तो इतना बहुत है। एक साइड का तीनों ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया है, इसका मतलब बाजार गिरेगा, तो गिरेगा मेरे भाई। और इसके बाद मैंने 44,000 का पुट जो बाय किया 138.30 पैसे में, जो 2:59 में बाय किया,
और उसके बाद उसी को मैंने 44,000 के पुट को 3 बजे बेचा है, वो 150 रुपये में, यानी कि मुझे 12 रुपये मिले, है ना, 12 रुपये मिले। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे, इस समय का चार्ट देखेंगे, देखिए 2:59 पे मैंने लिया, 3 बजे बेचा, ऑप्शन चेन का डेटा मैंने यहाँ पर रीड किया, और जैसा कि आप यहाँ पर चार्ट पे देख रहे हैं, ये देखिए 2:55 से मैंने रीड कर रहा था, उसके बाद से चार कैंडल अगर आप गिनेंगे, 1, 56, 57, 58, 59, है ना, यहाँ पर देखिए ये 59 मिनट का, 2:59 का कैंडल है, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, और यहाँ से मैंने जब ट्रेड लिया तो उसके बाद ये देखिए 44,230 के आसपास ये होगा, 230 के थोड़ा सा ऊपर, और वहाँ से मैंने ट्रेड लिया तो ये तकरीबन कितना मूवमेंट दिया है, 30-35 पॉइंट का मूवमेंट दिया होगा, 30-35 पॉइंट का मूवमेंट, यानी कि अगर बैंक निफ्टी में ये 30-35 पॉइंट का मूवमेंट देता है तो अगर डेल्टा अगर 0.5 का होगा, क्योंकि एट द मनी का ट्रेड हम ज़्यादातर मैं लेता हूँ एट द मनी का ही, क्योंकि वोलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट सब उसी में हाई होता है, आप जल्दी ले सकते हैं, जल्दी निकल सकते हैं, बाकी में आपको इंतज़ार करना होता है, इसलिए मैंने एट द मनी का ट्रेड ज़्यादातर लेता हूँ। तो डेल्टा तकरीबन वहाँ पर 0.5 होता है, तो यानी कि ये 30-40 जितना भी मूवमेंट है 30 पॉइंट का, तो 15 पॉइंट आपको मिलने चाहिए। तो हमको 138 का ख़रीदा और 150 का बेचा, तो हमको 12 पॉइंट मिल गए हैं। इतना एक्यूरेसी किसको अंदाज नहीं होता है, ठीक है, वो भगवान के अलावा कोई नहीं जानता इतना एक्यूरेसी। तो डेल्टा 5 पॉइंट का हो, 0.5 पॉइंट का हो, या फिर पूरा एक पॉइंट का ही हो, तो भी आप एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, ये किसी को इतना अंदाज़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर भले ही 30-35 पॉइंट की मूवमेंट हो गई होगी, लेकिन हमको 12 पॉइंट ही मिले हैं, जबकि उस हिसाब से हमको 15-16 पॉइंट मिलने चाहिए, लेकिन इतना एक्यूरेसी नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर एक आदमी ट्रेड नहीं करता है, पूरी दुनिया ट्रेड करती है, ठीक है। तो ये है, फिर भी हमारा तो टारगेट 2% है, अगर आपने हमारे पीछे वाले वीडियोस देखे होंगे तो हमारा टारगेट सिर्फ 2% है, तो हमको तो यहाँ पर 138 पे 2% कितना आप बोलेंगे, 3 रुपया, है ना, 3 रुपया, तो हमको कितना मिला, 12 रुपये मिला, यानी कि 8% मिला, है ना, तो 8% मिला, लेकिन वो मिल ही जाता है वैसे ना। तो इस कैंडल पे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था और यहाँ पर हमने उसको वो ये किया है, सेल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ट्रैक करेंगे क्लोजली, तो अब तो आप बता सकते हैं कि इसको पार नहीं करेगी, इस ट्रेंड लाइन को ये प्राइस पार नहीं करेगी, भले ये हरी कैंडल ऊपर जा रही है, लेकिन पार नहीं करेगी मेरे दोस्त, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन का डेटा रीड किया है और मार्केट क्लोजिंग का टाइम है अभी, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कम होता है, ये किसी भी कंडीशन में पार अभी नहीं करेगी, क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मार्केट बंद होने लगती है तो कभी कभी बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगती है, लेकिन आज नहीं जाएगी ना, आज इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि हमको कन्फर्म हो गया, ऑप्शन चेन बता रहे कि आज ये इसी लो के आसपास, इसी सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग देने वाली है, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको अगर चाहिए तो कॉन्फिडेंस मिलता है अनुभव से, और अनुभव के लिए आपको या तो आपको खुद सालों लगाने पड़ेंगे, या तो ऐसे कुछ बंदे हैं ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने सालों मार्केट में लगाए हैं, उसमें से हम एक हैं, तो हम इस तरह का हमारा जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से आपको गाइड कर पाते हैं, पा रहे हैं या फिर समझा पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में बुराई नहीं है। इससे क्या होगा कि हम इतने सालों से, हम सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े स्मार्ट ट्रेडर होंगे, तो वो इतने सालों से क्या किए बाज़ार में, वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और अगर आपको किसी का भला देखना हो ना, तो बेचेगा नहीं, उसको बेचेगा तो वो अपने प्रॉफिट के लिए बेचेगा। तो जो भी आपको चीज़ अच्छी मिलेगी ना यूट्यूब में फ्री, जो जितना भी फ्री होगा वो मुझे लगता है रिलायबल होगा, क्योंकि वो लोग निस्संदेह ये चाहते होंगे कि हम किसी को, हम सीखे हैं, अगर किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसका बेचारे का भला होगा। तो इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।